नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केकर। मैं साइकियाट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट और ईडी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में हमारा हॉस्पिटल है। हमारा जो हॉस्पिटल है उसको मैं आपकी विजिट करवा रहा हूँ। ये जो हॉस्पिटल है तो एक हॉस्पिटल है जहाँ रिश्तेदारों के साथ में मरीज लोगों को भर्ती करते हैं और रिश्तेदारों के अलावा भर्ती करने का दूसरा एक हॉस्पिटल है। मैं दूसरे हॉस्पिटल जो है रिश्तेदारों के अलावा जहाँ भर्ती करते हैं वहाँ मैं आपकी विजिट करवाता हूँ। हमारे यहाँ यूजली जो लंबे असर तक रहने वाले जो पेशेंट है उसमें क्रॉनिक स्किज़ोफ्रेनिया मतलब पुराना पागलपन के पेशेंट है, पुरानी मेंटल बीमारी है, फिर भुलक्कड़पना जो है डिमेंशिया प्राउड लोगों को जो बीमारी रहती वो है, फिर अल्कोहल मतलब शराब के जो लत वाले पेशेंट है या बाकी भी गांजा चरस अफीम इसके चरस वाले पेशेंट है, या घर में जो पेशेंट मैनेज नहीं होते, घर में रखना मुश्किल है, ऐसे लोग हमारे यहाँ हम रखते हैं। उनको महीना, दो महीना, तीन महीना हम रखते हैं, उनका इलाज करके उनको वापस भेजते हैं। रिश्तेदारों के रहने की जरूरत नहीं है। तो आइए ये हम आपको बताते हैं हॉस्पिटल। देखो ये हॉस्पिटल है, यहाँ हम मीटिंग लेते हैं। तो ये मीटिंग में देखो मैं भी बता रहा हूँ आपको, ये मीटिंग हम ले रहे पेशेंट लोगों की। यहाँ सब पेशेंट बैठते हैं और आपस में चर्चा करते हैं, अपने अपने प्रॉब्लम शेयर करते हैं। देखो पीछे से मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये पीछे से मीटिंग है कि जहाँ मीटिंग में लोग बैठे हुए हैं और हमारे काउंसिलर जो है उनके साथ में बैठते हैं, हर एक को बोलने का मौका मिलता है और वो बोल के अपने अपने प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करते हैं। लोगों को खाली बैठते जब है तब टीवी देखने को सुविधा उपलब्ध है, जहाँ लोग टीवी देखते हैं, समझो कोई मैचेस चल रही तो वो मैचेस देखते हैं, न्यूज़ देखना, अलग अलग सीरियल देखना, तो सब लोग बैठ के टीवी देखते हैं, उनका टाइम अच्छा यहाँ बीतता है। ये लेडीज़ वार्ड है, ये लेडीज़ वार्ड में सब अभी लेडीज़ भर्ती हुई है या अलग है वार्ड, यहाँ लेडीज़ है और वो अपना अपना कार्यक्रम रोज का करते रहते हैं, उनके लिए एक अलग कार्यक्रम हमने बना के रखा हुआ है। ये लेडीज़ वार्ड है। अभी देखिए इधर लोग कैरम खेल रहे हैं और कैरम खेल के अपना खुद का एंटरटेनमेंट होता है। कैरम एक ऐसा गेम है कि जहाँ चार लोग बैठते हैं और चार लोग बैठ के उनके जो मूवमेंट्स है बॉडी मूवमेंट्स, वो बॉडी मूवमेंट्स कोऑर्डिनेट करने के लिए बहुत सहायता होती है। उनको कॉन्सेंट्रेशन करना पड़ता है, अटेंशन है, और फिर एक संघ की भावना होती है, एक टीम की भावना इसमें होती है और इसमें टाइम भी अच्छा उनका जाता है। ये डॉक्टर्स रूम जहाँ हम पेशेंट को जब लाते हैं तब यहाँ पेशेंट को देखते हैं, उनकी तपास करके फिर उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजते हैं। ये डॉक्टर्स रूम है। ये स्पेशल रूम्स है। ये स्पेशल रूम्स में जब किसी को चाहिए कि भाई अकेला रहना पसंद करते कुछ लोग, तो उनको हमने ये स्पेशल रूम दी हुई है। ये स्पेशल रूम्स। ये भी देखिए जनरल वार्ड, इसमें चार चार, पाँच पाँच, छः छः जैसे भी वार्ड की साइज है वो हिसाब से हम पेशेंट रखते हैं। अभी ये जो रूम है ये छोटा सा रूम है जहाँ पेशेंट जब कभी वायलेंट हो जाता है, कभी कभी एक आधी बार बहुत गुस्सा कर लेता है, वायलेंट होता है, कभी किसके साथ में कोई झगड़ा बिगड़ा, ऐसा झगड़ालू प्रवृत्ति का पेशेंट है, तो जब आता है तो उसको हम यहाँ रखते हैं, उसको शांत होने देते हैं, फिर शांत होने के बाद में फिर उसको हम बाकी लोगों के साथ में मिक्स होने देते हैं। तो ये स्पेशल रूम है जो वायलेंट पेशेंट के लिए हमने करके रखी हुई है। ये लोगों को ठंडा पानी मिलता है यहाँ, ये ठंडा पानी पीना यहाँ चालू है। देखो लोगों को अच्छा पानी मिलता है ठंडा पीने के लिए। फिर लोगों का, पेशेंट लोगों का एक्सरसाइज का टाइम भी रखा हुआ है कि वहाँ वो समय में लोग एक्सरसाइज करते हैं ताकि वो फिजिकली भी अच्छे फिट रहेंगे, एक्सरसाइज कर रहे लोग। ये खाने का टाइम जब होता है तब लोग खाना खाने बैठते हैं और सब लोग साथ में खाना खाते हैं। दोपहर में 12-12:30 बजे खाना दिया जाता है, शाम को 7:30-8 बजे खाना दिया जाता है, फिर सुबह ब्रेकफास्ट इनका होता है, सुबह 8:30-9 बजे ब्रेकफास्ट चाय, फिर शाम को 4 बजे 4:30-4 बजे चाय होती है, और वो मतलब अच्छा उनको खान पान अच्छा रहता है तो तबीयत भी उनकी अच्छी हो जाती है। ये देखिए लोग योगा कर रहे हैं, अभी योगा है, योगा चालू है। फिर ये जो जगह है यहाँ लोग मिलते हैं, जब रिलेटिव आते हैं छोड़ने के लिए तो यहाँ उनको हम बिठाते हैं, उनको छोड़ देते हैं, या फिर कोई मिलने के लिए आता है, हम तो लोगों को बोलते हैं कि मिलो मत, मगर समझो मिलने के लिए आते हैं तो यहाँ लोग पेशेंट के साथ में मिल के बैठक करते हैं। ये डोर सिक्योरिटी है, देखो यहाँ दो दो दरवाजे हैं ताकि पेशेंट यहाँ से भाग ना जा सके, और वहाँ कंटिन्यूअली सिक्योरिटी रहती है डोर की। ये मेडिटेशन चालू है लोगों का, इसमें लोग मेडिटेट कर रहे हैं। ये हॉस्पिटल का सामने का व्यू, यहाँ ये अकोला से थोड़ा सा बाहर है, यहाँ लोग घूम फिर सकेंगे, खेल सकेंगे मैदान में, एक अच्छा वातावरण है। यहाँ पीछे के बाजू हिरन भी दिखाई देते हैं, हिरन आते हैं खाने के लिए कुछ, तो हिरन दिखाई देते हैं, मोर है, तो ऐसे काफ़ी सारे जानवर जो है पीछे के बाजू में हॉस्पिटल के रहते हैं, वो लोगों को देखने में बहुत मज़ा आता है। और इन जनरली एक अच्छा वातावरण रहता है, तो लोगों की ऐसे रहता है कि भाई हमको यहाँ रहने के लिए अच्छा लगता है, यहाँ हम बोलते कि नहीं पेशेंट बहुत अच्छा रह रहा है,
घर जाते से क्या होता है उसके ऊपर डिमांड आती है बहुत ज़्यादा और फिर वो भाग सकता है, इसलिए हम रेडियो को बोलते हैं उनका काउंसलिंग करते कि इसको एकदम डिमांड मत डालो, उसके मन जैसा करो ताकि घर में शांति रखो और धीरे 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 हम गोली दवाई बंद करके उसका नॉर्मल जीवन कैसा जी सकेंगे वो हम देखते रहते हैं। तो ये हमको यदि आपको भर्ती करना है तो आप यहाँ पेशेंट को दाखिल कर सकते हैं। हमारे यहाँ पेशेंट को घर से लेके जाने की भी व्यवस्था है, हम लोगों को आपके यहाँ से समझो आप नहीं ला सकते, पेशेंट वायलेंट है तो हम आदमी भेज के उसको इंजेक्शन देके पेशेंट को संभाल के हम हमारे हॉस्पिटल में लेके आते हैं और फिर दाखिल करते हैं। तो कहीं का भी पेशेंट रहो, हमारे यहाँ दिल्ली से पेशेंट लाते, लखनऊ से, ग्वालियर से, इधर बॉम्बे, पूना, इधर नांदेड़, हैदराबाद, यहाँ से सभी तरह से पेशेंट हम लाते हैं, जहाँ जहाँ से हमको फ़ोन आता है। हमारी जो कॉस्ट है पेशेंट की यूजुअली ये 10,000 रुपये महीना अप्रॉक्सीमेटली लगता है, बाकी भी जो कॉस्ट है वो आपको पता चलेगा। आपको यदि अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। इसमें लॉन्ग टर्म स्टे है, पुनर्वसन करते हैं और लंबे असर तक पेशेंट को रखना है तो वो रख सकते हैं। फिर जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको डिमेंशिया हुआ है, बुद्धि ठीक नहीं है, याददाश्त नहीं उनका, और फिर जिनको लत लगी हुई है अल्कोहल की, अल्कोहल शराब गांजा मतलब ये है अफीम है चरस है तो उसकी लत है, तो वो पेशेंट है। या जिनको घर में मैनेज करना कठिन हो जाता है तो वो है, बहुत ही वायलेंट पेशेंट है, या फिर घर में उनको देखने वाला कोई नहीं है तो वो पेशेंट हमारे यहाँ ला के रखते हैं, उनका इलाज करके फिर उनको घर पे लेके जाते हैं। तो यदि आपके कोई इंक्वायरी होंगी तो ज़रूर हमें संपर्क कीजिएगा ताकि हम हमारी सेवा लोगों को दे सकेंगे। हमारा एक ऐप है डॉक्टर केकरिया नाम का, वो ऐप आप प्ले स्टोर से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें आपके कुछ सवाल होंगे तो वो सवाल के जवाब आपको वहाँ फ्रीली मिल जाएंगे। वहाँ हमारा यूट्यूब चैनल है तो यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ हमारे काफ़ी सारे वीडियोज़ है, हमारा फेसबुक पेज है, आप गूगल पे भी जाके हमारे वहाँ हमारी वेबसाइट है उसके बारे में चर्चा आपको मतलब वहाँ मालूम पड़ जाएगा वेबसाइट के बारे में, तो सभी आप जानकारी लेके हमें फ़ोन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।